आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। हम लोग डेब्ट पढ़ रहे थे ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। कैपिटल दो तरह का होता है, पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दोनों पढ़ेंगे। प्रिफरेंस शेयर का कैपिटल कैसे निकालेंगे, यानी दो तरह से कैपिटल लाया जाता है, एक प्रिफरेंस शेयर के जरिए, एक इक्विटी शेयर के जरिए। प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकालेंगे, पूर्वाधिकार अंश, और इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे। समता अंश दो तरह का शेयर है, दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर का क्या निकालेंगे, केपी बोलते हैं, केपी बराबर होता है डी बाई एनपी इनटू 100। अब समझिएगा, केपी का फुल फॉर्म होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश की लागत। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या है। दूसरा, एनपी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट मालूम है ना, नेट प्रॉफिट मतलब नेट इनकम। अगर प्रेफरेंस शेयर आप बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे और माइनस इशू एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट। फिर से समझिएगा, जितना आप प्रेफरेंस शेयर बेच रहे, मान लीजिए 10,000 प्रेफरेंस शेयर बेच रहे हैं 10 रुपये का है, तो 10,000 इंटू 10 1,00,000 आएगा। 1,00,000 में शेयर इशू एक्सपेंसेस घटा देंगे, प्रीमियम को जोड़ देंगे और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिविडेंड, लाभांश। ये फॉर्मूला होगा अगर आप प्रेफरेंस शेयर का निकालते हैं तो। अब इसमें भी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आता है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। फॉर्मूला देखेंगे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल भी आता है। अगर इसमें देखें तो दो तरह का फॉर्मूला आता है, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। तो ये इरिडीमेबल का है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक आता है रिडीमेबल, RED EMABL, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आपको हिंदी पता है, रिडीमेबल मतलब तो ई रिडीमेबल मतलब तो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, और इसका मतलब तो है शोधनीय, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश का मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको एक फिक्स पीरियड के बाद हम पैसा वापस कर देंगे, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इसका कैसे निकालेंगे, और ये हो गया अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। दोनों में बना के दिखा देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, केपी बराबर, इसका फॉर्मूला आता है रिडीमेबल वैल्यूस आ जाएगा। जब हम लोग ई रिडीमेबल बनाएंगे, जिसका कभी ई रिडीमेबल प्रेफरेंसर का मतलब ऐसा प्रेफरेंसर जिसको कभी पैसा ही वापस नहीं करेंगे, एक बार लगा दिए तो फंस गया, कंपनी जब बंद होगी तभी वापस होगा, तब हम ये निकाल लेंगे। और जिसको हम पैसा वापस करेंगे उसमें फिर क्या होगा, आरबी लगेगा, जो आप पढ़े थे डिबेंचर में, जो डिबेंचर में पढ़े थे वही यहाँ है। तो इसका निकलेगा डी प्लस 1/n, याद कीजिए, आरबी माइनस एनपी, और बटा 1/2 इंटू आरबी प्लस एनपी, और इंटू क्या होगा 100। याद कीजिए, कुछ सेम फॉर्मूला था डिबेंचर में, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जब निकाल रहे थे, यानी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, रिडीमेबल डेब्ट निकालेंगे तो उसमें क्या कर, यहाँ आई था, आई का मतलब क्यों आई था, डेब्ट का जब हम निकाल रहे थे तो आई है, और प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंट है, क्योंकि डेब्ट मतलब लोन, लोन के ऊपर क्या लगता है, लोन के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट ना मिलता है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट होगा, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या मिलता है डिविडेंट, तो यहाँ डिविडेंट होगा, बाकी कोई अंतर नहीं। आप सबका मीनिंग तो आप जानते हैं, केपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डी का मतलब क्या होता है, हिंदी लिखने की जरूरत है क्या, डिविडेंट मतलब लाभांश, लाभांश का मतलब है कि अगर 1,00,000 रुपये लगाते हैं तो कंपनी आपको कितना देती है, तो मान लीजिए 10% देगी, तो 1,00,000 का 10% 10,000,
एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कौन सा ईयर, नंबर ऑफ ईयर पे कौन सा ईयर, जितने साल के बाद डिबेंचर रिडीम होगा, इसको बोल सकते हैं कॉस्ट, नंबर ऑफ रिडीमेबल ईयर, रिडीमेबल ईयर कितने साल में आप डिबेंचर को पेमेंट कर दें, शोधनीय वर्ष, शोधनीय वर्ष कितने साल में आप शोधन कर देंगे डिबेंचर का। उसके बाद आ गया क्या, क्या बचा, आर भी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, शोधनीय मूल्य कितना चुकाना है, शोधन कितना करना है, शोधनीय मूल्य। और एन का मतलब होता है नेट प्रोसीड, जब आप बेच रहे थे तो शुद्ध आय कितना आया, बेच रहे थे इशू कर रहे थे, देखिए नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि नेट प्रोसीड का मतलब है कि जितना आप फेस वैल्यू माइनस शेयर इशू एक्सपेंसेस प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। फिर से रिपीट करते हैं, नेट प्रोसीड निकालने का डिबेंचर में भी वही सीखे थे, फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट करके निकाल देंगे तो नेट प्रोसीड निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, माइनस टी वाला याद है ना, माइनस टी याद है ना। अब हम आपको बताते हैं, ये तो हो गया प्रेफरेंस शेयर का, तो ऐसा करते हैं प्रेफरेंस का एक क्वेश्चन बनवा लेते हैं तब इक्विटी में इंटर करते हैं, नहीं तो प्रेफरेंस का क्वेश्चन ही बनाने से मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ डिबेंचर जहाँ रहता था वहाँ प्रेफरेंस शेयर लिखा रहेगा, बाकी सब डिटो सेम है। देखिए लिखा है क्वेश्चन में इशूड 2500 8%, यहाँ पे पहले डिबेंचर होता था, अभी हम क्या लिख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 1008। ध्यान दीजिएगा 2500 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर कितने का है 1000 का, 2500 इंटू 1000 यही ना रुपया आएगा। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ इशू 20 पर शेयर है, लीजिए कॉस्ट ऑफ इशू दिया यानी खर्चा है, कॉस्ट ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर बेचने को है ₹20 पर शेयर, यानी एक शेयर में ₹20 खर्चा पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बस अब आपको बनाना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ अदि इशू किस में होता है एट पार में, अदि इशू किस में होता है एट प्रीमियम 10%, और तीसरा अदि एट डिस्काउंट होता है 5%। सॉल्व कीजिए, पहले बताइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये हमको बताइए ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से बनेगा, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ये वाला या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कहीं तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो कैसे आप जानेंगे कि ई रिडीमेबल यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो ध्यान दीजिएगा ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जब रहेगा उसमें रिडम्पशन का डेट नहीं दिया रहेगा, और जब भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा रिडीम करने का मतलब समझते हैं शोधन करना, तो लिखा रहेगा ना 5 साल बाद चुकाएंगे 6 साल बाद चुकाएंगे, देखिए कहीं क्वेश्चन में लिखा है, तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कितना साल बाद चुकाएंगे इसका मतलब है रिडीमेबल तो नहीं है, वो कौन सा है ई रिडीमेबल है, जहाँ पे पेमेंट करने का डेट लिखा हो कि कितने दिन बाद पैसा वापस करेंगे वो रिडीमेबल है, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, समझ गए। और जहाँ पेमेंट करने का डेट ना लिखा हो यानी एन, हम एन देखो इसमें एन चाहिए ना आपको, इसमें एन का कहीं कोई ज़रूरत है, बोलता कोई ज़रूरत नहीं, तो जहाँ एन दिया हो नंबर ऑफ ईयर दिया हो कि कितने साल बाद आप चुका देंगे तो वहाँ पे ये वाला लगाएंगे, तब हम मानेंगे कि वो कौन सा शेयर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन जहाँ एन नहीं दिया हुआ है वहाँ पे हम मानेंगे ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कहीं कोई दिक्कत है? तो चलिए ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम लोग मान के बनाते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कहीं भी नहीं दिया कितने साल में चुकाना है, तो ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में एट पार में पहले निकालिए एन पी, एट पार, एट पार में आपको क्या चाहिए, देखिए तो डी चाहिए एन पी चाहिए यही ना चाहिए, तो बताइए डिविडेंड कितना निकला है, समझ में आया क्यों रिडीमेबल लेके चल रहे हैं, अशोधनीय क्यों मान रहे हैं, क्योंकि कहीं शोधन का वर्ष नहीं लिखा है कितने साल में चुकाना है, कहीं नहीं लिखा है, तो जब लिखा ही नहीं इसका मतलब नहीं चुकाना है, तो नहीं चुकाना तो उसको हम लोग अशोधनीय मानते हैं, तो इसका डिविडेंड कैसे निकलेगा, कितना डिविडेंड है बताइए, तो 2500 शेयर है एक शेयर 1000 का है, तो इस हिसाब से कितना होगा
पच्चीस दो जीरो तीन चार पाँच, 25 लाख। और इसका कितना परसेंट डिविडेंट है देखिए, 8%, तो 8% कितना आता है, 25 अठी 200, 1 2 3 2 लाख आता है डिविडेंड। कितना आता है डिविडेंड, 2 लाख, तो डी निकल गया, डी बराबर 2 लाख। सब में हर केस में डी बराबर 2 लाख है, हर केस में डी बराबर क्या होगा 2 लाख। अब यहाँ पे निकालिए एट पार, अब निकालिए एट पार, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा केस वन में एन पी, तो एन पी कैसे निकलेगा, एन पी बराबर क्या होता था, कितना का शेयर है, तो 2500 शेयर है, एक शेयर कितने का, दो काम कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 1000 रुपये का शेयर है, उसमें 20 रुपये हर शेयर में खर्चा पड़ जा रहा है, तो 980 डायरेक्ट गुना कर दे, नहीं समझे, चलो ऐसे देखो, 2500 शेयर इंटू 1000 करेंगे कितना आता, 25 लाख रुपये। अगर हम 2500 प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे, एक शेयर 1000 का होगा, तो 25 लाख रुपये आएगा मेरे पास, आएगा। अब इसमें खर्चा हो रहा है, तो खर्चा को माइनस कर दीजिए, एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो रहा है, 2500 शेयर, एक शेयर का 20 रुपया खर्चा हो रहा है, देखिए 20 रुपया खर्चा हो रहा है, खर्चा घटा दीजिए, 25 दिनी 50 कितना आता है, 50,000 खर्चा हो रहा है, तो कितना बचेगा, 24,50,000 नेट इनकम आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, एनपी कितना आ गया, 24,50,000। किसी बच्चे को दिक्कत है, सोचिए कि 25 लाख रुपये अगर हम शेयर बेचते तो हमको 2500 × 1000 25 लाख मिलना चाहिए था, उसमें 20 रुपया हर शेयर पर मेरा खर्चा पड़ गया, तो हर शेयर का मतलब 25 शेयर × 20 यानी 50,000 खर्चा पड़ गया, तो आपको मिला 24,50,000 हाथ में मिला। अब इसका रेट निकालते हैं कि यह क्या निकलेगा, कॉस्ट के पी बराबर क्या होता है, डी बाई एन पी और इंटू 100। डी कितना निकला, डिविडेंड 2 लाख बटा 24,50,000 इंटू क्या होगा, 2000 बटा 245 कितना आएगा, काटिए भाग दीजिए, तो 2000 इंटू 250 कितना आ रहा है, 8.16 आ रहा है क्या, देखिए तो 8.16। आया, आ गया 8.16। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानता है तो उससे पूछा जाएगा कि बताओ जी ये डिबेंचर जो हम प्रेफरेंस शेयर लाए हैं कितना महंगा पड़ रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर कितने का पड़ रहा है आपका, तो जो आदमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानता बोलेगा 8% पड़ रहा है, नाम है ना 8% जी, मतलब 8% का मतलब 8% हमको देना पड़ रहा है उसको, क्या लगता है आप 8% दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 8.16% दे रहे हो, तो कौन ये बता सकता है कि आप कितना दे रहे हो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके बता दे कि नहीं आपको महंगा पड़ रहा है, देखने में 8% है लेकिन पड़ रहा है आपका 8.16%। क्यों, क्योंकि जो डिस्काउंट काटे ना, ये खर्चा जो हुआ है ना, सोचिए जो हम कर्जा ले रहे थे कर्जा वाला खर्चा हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, जैसे 20 लाख का हम हाउसिंग लोन ले लिए, घर बनाने के लिए लोन ले लिए 20 लाख का, अब 20 लाख में क्या किए कि हम 10 लाख रुपया कहीं और पेमेंट मार दिए, या 10 लाख रुपया बैंक में रहने दे दिए कि बैंक में FD करा देते हैं, अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, बैंक में अगर आप छोड़ देते हैं तो इसका मतलब आपको ब्याज जो देना पड़ा कितने पर देना पड़ा, 20 लाख पर, और यूज कितना कर रहे हैं 10 लाख, तो 10 लाख रुपये से कितना कमाइएगा कि आप 20 लाख का ब्याज चुका दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ी होती, तो यही देख रहा है कि अगर 8% हमको देखे, ऐसे तो मोटा मोटी दिख रहा है कि 8% हमको रिटर्न मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर से, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर में लगाते और ऐसे लगाएंगे तो हमको 8.16% निकल रहा है। अगर हम इसी को प्रीमियम में इन्वेस्ट करते तब क्या होता, इसी पैसे को अगर हम प्रीमियम में लगाते, यानी कंपनी अगर प्रीमियम में बेचती तो कंपनी को महंगा पड़ता 8% से, या सस्ता पड़ता तो सस्ता पड़ेगा, प्रीमियम में अगर कंपनी अपने शेयर को बेचेगी तो कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या रेट ऑफ डिविडेंड है वो सस्ता पड़ेगा, यानी कम से कम लाभांश देना पड़ेगा कंपनी को। तो इसको लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट में क्या करेंगे, फिर आपको बताएंगे रिडीमेबल शेयर का क्या करेंगे। ये तो हम लोग पढ़ लिए ई रिडीमेबल में, इसका प्रीमियम का क्वेश्चन बना देते हैं। प्रीमियम में कैसे बनेगा, ई रिडीमेबल का अगर हम लोग बनाते हैं प्रीमियम में तो प्रेफरेंस शेयर का कैसे बनेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा जो आपके पास था केस टू। केस टू में प्रीमियम था कितना परसेंट, प्रीमियम था
10% प्रीमियम था, तो चलिए एनपी सिर्फ चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो एनपी कितना होगा, अभी कितना आ रहा था 25 लाख में, इसका 25 लाख में इसका 20 रुपया खर्च पड़ रहा था। 25 लाख का 20 रुपया कितना आ रहा था, 20 रुपया अगर पड़ तो 25 × 5 लाख आ रहा था, नहीं 50,000 आ था। खर्च कितना आ रहा था, 50,000 रुपया खर्चा आ रहा था प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना परसेंट, 10%। 25 लाख का 10% कितना होता है, 2,50,000 का प्रीमियम पड़ रहा था। यहाँ ध्यान दीजिए, एनपी खाली चेंज होगा, नेट प्रोसीड आपका 25 लाख था, 2500 शेयर × 1000, 50,000 रुपया खर्चा पड़ा। कैसे पड़ा, तो बोलता है कि एक शेयर पर आपका 40 रुपया खर्च पड़ रहा है, सॉरी 20 रुपये, एक शेयर पर 20 रुपया खर्च पड़ रहा है। तो 2500 शेयर × 20 करेंगे तो 50,000 आएगा, और 10% प्रीमियम है तो इसका 10% 2,50,000 आता है। अब जोड़ दीजिए कितना रहे, तो 25 और 2 27 50 27 50 में 50 जाएगा, तो टोटल बचेगा 27 लाख रुपये एन पी आया। बाकी सेम है, हम निकाले के पी बराबर क्या बताए थे, डी बाई एन पी इंटू 100। तो डिविडेंड कितना निकला है, इसका डिविडेंड कितना निकल गया था, 2 लाख। अब बटा एन पी कितना निकला है, 27 लाख इंटू क्या होगा, 100। तो 3 0 3 0 2 0 2 0, तो 200/27 कर दीजिए, देखिए कितना परसेंट आता है। 200/27 की जगह मेरे ख्याल से 7.41% आएगा। उसी तरह केस थ्री में चलिए, केस थ्री में क्या है, डिस्काउंट है ना, केस थ्री में डिस्काउंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है। 5% कितना आएगा, अब देखिए यहाँ एनपी चेंज होगा खाली, तो एनपी पर वो 25 लाख, 50,000 का खर्चा भी, और मैं डिस्काउंट घटाएंगे, डिस्काउंट 5% है, तो 25 लाख का 5% कितना आता है, 1,25,000। 25 लाख का 5% कितना आता है, 1,25,000, मतलब यहाँ टोटल कितना होगा, 1,75। 1,75 का चला जाएगा तो बचेगा 23,25,000 इसका एनपी निकल गया। बस के पी बराबर क्या होता है, डी बाई एन पी आर इंटू 100। डिविडेंड निकला 2 लाख, एनपी निकला 23,25,000 इंटू क्या करेंगे, 100। कैलकुलेट करके निकालिए, 3 0 से 3 0, बाकी ऊपर में 2 1 2 और 2 3 2 5, डिवाइड करके निकालेंगे डिस्काउंट में तो आएगा 8.60%। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। अब एक हम लोग रिडीमेबल का बना देते हैं, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर का कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं आपको, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर। तो कुछ नहीं करना, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर में खाली रिडीमेबल वैल्यू नया निकाल देना, बस और कुछ नहीं करना है। इशूड लिखा है 1000 प्रिफरेंस शेयर, 1008% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 2500 ईच। सोच लो इधर 1000 शेयर है, एक शेयर 2500 का है और 8% प्रेफरेंस शेयर है, एट डिस्काउंट इशू किया गया, डिस्काउंट में इशू किस में किया गया, डिस्काउंट 5% डिस्काउंट में इशू किया गया। उसके बाद लिखा है रिडीमेबल, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद हमको उसको रिडीम करना है, 5 साल के बाद 2% कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इशू जो है 2% है, 2% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी होगा उसका 2% हमारा इशू करने का कॉस्ट है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ, बोलता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए, कोई नया काम नहीं है, सब सिंपल है, जैसे बनाते वैसे ही। सिर्फ नया चीज़ क्या था आपके पास, फॉर्मूला में क्या दिया हुआ था, जो आपको चाहिए था सारा कुछ यहाँ दिया हुआ, सॉल्व कीजिए। सबसे पहला निकालिए आरवी, रिडीमेबल वैल्यू, कितना देना पड़ेगा इसको पैसा। तो अगर कोई डिबेंचर 1000 का है और 2500 रुपये का डिबेंचर है, देखिए कहीं लिखा है कि रिडम्पशन एट पार होगा, एट प्रीमियम होगा, कुछ भी, तो कुछ नहीं लिखा तो एट पार ही मानेंगे। तो रिडम्पशन एट पार का क्या होगा, देखिए तो कितना देना पड़ेगा, तो 1000 प्रेफरेंस शेयर है और 2501 शेयर का कीमत है, तो आपको देना पड़ेगा 25 लाख देना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एनपी चेंज हो जाएगा, एनपी इसका चेंज हो जाएगा कैसे, तो बताइए 25 लाख का इशू वैल्यू था, उसमें 2% खर्चा है, इसका 2% कितना आएगा, 2/100 2 0, तो
25 दिन 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट में इशू हुआ 5%, तो वो भी घटेगा। तो इसका 5% कितना आता है, 1,25,000 लगता ही सेम वाला वैल्यू है। देखिए सेम केस है, तो इसका क्या बनेगा, एनपी 1,75 घटेगा तो 23,25,000 एनपी भी मिल गया। डिविडेंड निकालिए इसका कितना, डी कितना आएगा, तो डी बराबर डिविडेंड होता है, बताइए 25 लाख का कितना परसेंट, कितना परसेंट 8, तो 25 लाख 8%, 25 लाख इंटू 8/100, तो 25 लाख 8% अगर निकालेंगे तो 2 लाख आता है, डिविडेंड भी निकल गया, एन भी निकल गया। एन बराबर नंबर ऑफ ईयर, कितना साल होता है, 5 साल के बाद रिडीमेबल। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या बोलता है, के पी आर बराबर डी 1/n इंटू आर भी माइनस आर एन पी बाई 1/2 इंटू आर भी प्लस एन पी इंटू 100 बन जाएगा। देखिए तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, डी बराबर कितना है 2 लाख प्लस 1/5 इंटू आर भी कितना है 25 लाख और माइनस 23,25,000 और बटा 1/2 इंटू 25 लाख और प्लस 23,25,000 और इंटू क्या होगा 100। इसको सॉल्व कीजिए, 2 लाख प्लस 1/5 इंटू कितना होगा, यहाँ पे होता है 25 लाख में जाएगा तो कितना बचेगा, 1,75,000 बचेगा। देखिए तो होगा बटा यहाँ पे 1/2 इंटू कितना आएगा जोड़ने से 48,25,000 इंटू 100, काटिए इसको 5 से तो 5 × 3 = 15, 2 × 5 = 25, 35,000 आएगा। अरे काटिए 2 से तो 24,12,500 आएगा। अब काटिए, देखिए 2 लाख और यहाँ पे 35,000 तो ऊपर आ जाएगा 2,35,000 और नीचे आ जा रहा है 24,12,500 इंटू 100 कर दे रहे हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो काटिए और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके निकालिए कितना परसेंट आएगा। तो ये कैलकुलेशन तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन देखिए 9.74% आ रहा है, देखिए तो 9.74% आ रहा है, देखिए 9.74% तो ये हम लोग निकालिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आया वही 9.74 है ना, ठीक। मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर ई रिडीमेबल प्रिफ्रेंसर का निकालेंगे तो केपी लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई रिडीमेबल प्रिफ्रेंसर का निकालेंगे तो केपी लिखेंगे और रिडीमेबल प्रिफ्रेंसर का निकालेंगे तो केपी आर लिखेंगे, आर का मतलब रिडीमेबल, ठीक है। बन सकता है क्वेश्चन, अब हम लोग इक्विटी में चले, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर में चलते हैं कि इक्विटी शेयर का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझ गए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। समता अंश की लागत, इसको केई बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को केई के नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है निकालने के लिए दिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं मेथड्स। पहला मेथड है डिविडेंड ईड मेथड, डिविडेंड ईल्ड मेथड, एक दो मेथड समझिए काफ़ी है। लाभांश आय विधि, इसमें कैसे निकालते हैं, तो केई बराबर होता है डीपीएस बाय एमपी, एम पी एस भी बोल सकते हैं एम पी को, इंटू 100। अब समझिएगा अच्छे से, इसमें रिडीमेबल इरिडीमेबल का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही इरिडीमेबल होता है, रिडीमेबल होता ही नहीं। तो डिबेंचर में हमको रिडीमेबल इरिडीमेबल देखना है, प्रेफरेंस में रिडीमेबल इरिडीमेबल देखना है, यहाँ तो सब इरिडीमेबल होता है। तो के ई का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। समता की लागत, डीपीएस का मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, लाभांश प्रति अंश,
लाभांश प्रति अंश, और एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। बाजार मूल्य प्रति अंश, और क्या चाहिए निकल जाएगा इसमें। जैसे कि क्वेश्चन दे देते हैं, लिखा है डिविडेंड जो पेड हो रहा है ₹20 पर शेयर पेड हो रहा है, एक शेयर पर ₹20 डिविडेंड, अगर एक शेयर खरीदेंगे तो ₹20 मिलेगा। और फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का कीमत कितना है, तो एक शेयर का कीमत है ₹10, यानी जितना कीमत है उसका डबल डिविडेंड मिला है। मार्केट प्राइस पर शेयर का दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस ₹80 है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर डिविडेंड मेथड, हम लोग इससे निकालेंगे। कैलकुलेट के ई का मतलब समझते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर डिविडेंड मेथड। चलिए देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको डीपीएस चाहिए, डीपीएस का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, यहाँ तो सब लिख दिया है, यहाँ तो टेंशन ही नहीं, सीधा लिखा ये के ई बराबर क्या होता है, डीपीएस बाई एमपीएस और इनटू क्या होगा 100। डीपीएस देखिए कितना है इसमें, अगर देखें तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पर शेयर जो है ₹20 है, तो 20 बटा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है ₹80, तो मार्केट प्राइस 80 × 100, 10 से 10 200 बटा 8 कर देंगे तो 25 × 80 = 200। इसका मतलब है यहाँ 25% रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, 25% रिटर्न मिल रहा है इक्विटी शेयर को। अगर इस जगह पे आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं और ऐसा स्थिति है कि जितना आप लगा रहे हैं मार्केट वैल्यू ₹80 का शेयर है, ₹10 का मार्केट एक शेयर का कीमत है, मार्केट वैल्यू उसका ₹80 और ₹20 डिविडेंड मिलता है, तो 25% आपको रिटर्न मिलेगा। एक और क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें तो सब निकाल के दे दिया था, इसमें लिखा है इशूड 500,000 इक्विटी शेयर है, 500,000 शेयर बेच रहा है एट द रेट ऑफ 10 ईच, 500,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर ₹10 का एट प्रीमियम है ₹2.50 पर शेयर, एक शेयर का ₹2.50 प्रीमियम है। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड किसी कंपनी का वो है ₹3 पर शेयर, ₹3 प्रति अंश में एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है ₹25, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, ऑफ द शेयर मार्केट वैल्यू लिख दिया ₹25, और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए सॉल्व करते हैं, तो के ई बराबर क्या होता है, के ई बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी पी एस बाई एम पी एस और इंटू क्या होगा 100। डी पी एस कितना है, डिविडेंड पर शेयर, तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ₹3 है, डी पी एस कितना है ₹3 पर शेयर इसका डिविडेंड है, तो ₹3 और बटा कितना है, देखिए डी पी एस निकला हुआ है, एक शेयर का डिविडेंड कितना मिलता है ₹3, और मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना है 25 और इंटू 100, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं, 25 × 100, इसका मतलब 12% रिटर्न कम से कम मिल रहा है आपको, बनाया जा सकता है। अपने को दो ही चीज़ चाहिए, डी पी एस और एम पी एस। एक और मेथड से बना देते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर भी चलिए एक और बता देते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मेथड। लाभांश विकास विधि, डिविडेंड ग्रोथ मेथड में अगर के ई बराबर निकालते हैं ना, सेम लगेगा, डी पी एस बाई एम पी एस इंटू 100 और प्लस ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो ग्रोथ रेट होगा वो जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बन सकता है। इसका फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। एक चीज़ जो आप लोगों को और पढ़ना है, वो पढ़ना है वेटेड कैपिटल, बोलता है वेटेड एवरेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपके सिलेबस में है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब है भारित औसत पूंजी की लागत, भारित औसत पूंजी की लागत। तो भारित औसत पूंजी की लागत कैसे निकालते हैं, तो यहाँ होता है के डब्ल्यू बराबर होता है समेशन एक्स डब्ल्यू और बाई समेशन डब्ल्यू। यहाँ के डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा है एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फंड, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट इससे हम लोग निकालेंगे। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बना के दिखा देते हैं वेटेड कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये पूरा हम लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। चलिए देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसका और भी बहुत सारा नाम है, इसको और करके यहाँ लिख देते हैं, इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, या इसको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या इसे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, इतने सारे नामों से आप इसको जान सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए इसका स्टेप लिखवाने से अच्छा डायरेक्ट बना के बता देते हैं। क्वेश्चन एक दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया है आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ, मतलब जो लोन लीजिएगा तो उसके ऊपर 10% आपको लागत पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम पूरा लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में शॉर्ट लिखा है, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट 12%, बताइए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को केडी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं, केपी बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का कॉस्ट है 15%, मतलब इसको बोलते हैं के ई। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप पूंजी मार्केट से उठाते हैं तो किसी न किसी जरिए उठाएगा ना, तो अगर डिबेंचर से उठाएगा तो 10% आपको पड़ेगा, मतलब 1,00,000 उठाएगा तो 10,000 ब्याज पड़ेगा, हाँ या नहीं। अगर आप प्रेफरेंस शेयर से उठाते हैं तो 12% पड़ेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर से अगर 1,00,000 लीजिएगा तो 12,000 पड़ेगा डिविडेंड, और इक्विटी शेयर से 15,000 पड़ेगा। आप सोचो कहाँ से लाना है, तीनों ना है आपके पास। आप लोन से उठाओगे 10% पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर से 12% पड़ेगा और इक्विटी से आपको 15% पड़ेगा। ये पड़ रहा है कॉस्ट लागत। तो बताए हम लोगों को आज तक यही लगता था कि इक्विटी शेयर से सस्ता पड़ेगा, मालिक ना बना लेंगे सस्ता पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ता, इक्विटी से महंगा पड़ता है। देखिए तो ऐसा अगर किसी बिजनेस का स्थिति है तब आप क्या करोगे, कहाँ से पैसा लाओगे। अब चलते हैं, हमको पैसा कितना लाना है वो देखिए कंपनी क्या डिसाइड करती। ये तो लागत था, एक कंपनी जो है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बताए, द कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी ढांचा तय किया है, एक कंपनी अपना पूंजी ढांचा तय किया। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब अब कंपनी डिसाइड करेगी कि 10% में डेप्ट कितना ले लें, कितना रुपये का डेप्ट ले लें, कितना 12% में प्रेफरेंस उठाएंगे, तो तीनों कंपनी उठाएगी तीनों। कंपनी इसमें इस क्वेश्चन में ये तय की है, क्वेश्चन वाइज डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में कंपनी ये तय की हम तीनों से पैसा लेंगे, कुछ पैसा इक्विटी के जरिए लेंगे, कुछ पैसा प्रेफरेंस से लेंगे, कुछ पैसा डेप्ट से लेंगे। तो कितना पैसा हम लेंगे वो देखिए, यहाँ कंपनी तय की है कि डेप्ट से हम उठाएंगे टोटल 3,00,000 रुपया। अगर 10% पड़ रहा है तो 3,00,000 डेप्ट से लेंगे,
प्रेफरेंस शेयर से हम उठाएंगे पैसा, भले वो पड़ रहा उतना, 2 लाख रुपये हम प्रेफरेंस शेयर से लेंगे, और इक्विटी शेयर से उठाएंगे, बताइए ज़्यादा उठाना चाहिए कि कम उठाना चाहिए? इक्विटी शेयर से अपने को 15% पड़ रहा है तो कम उठाना चाहिए? गलत बात, ज़्यादा उठाना चाहिए। मालिक ना ज़्यादा बनाएगा कंपनी में, क्या होता है शेयर होल्डर ऑनर ज़्यादा होना चाहिए या डेप्ट ज़्यादा होना चाहिए? पता चला कि आपका शेयर हो गया 10% और 90% कर्जा है तो बिजनेस आपके हाथ में कहाँ रहेगा? बिजनेस तो चल के कर्ज के हाथ में, जिसके कर्जा नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी भी इक्विटी शेयर का हिस्सा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमको इक्विटी शेयर ज़्यादा लाना है, प्रेफरेंस है उससे कम, और डेप्ट अपने अनुसार आप देख लीजिए कि कितना लाना चाहिए। अब इसका कैपिटल स्ट्रक पूछ रहा है कि इसका निकालिए आप वेटेड एवरेज कॉस्ट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर से समझिएगा अच्छे से, एक कंपनी ये परफॉर्मेंस दिखा रही है अपने यहाँ कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम चाहें तो पैसा डेप्ट से ला सकते हैं, चाहे तो हम प्रेफरेंस शेयर से ला सकते हैं, और चाहे तो हम इक्विटी शेयर से ला सकते हैं। अगर हम डेप्ट से लाते हैं तो 10% अपने को महंगा पड़ता है, 10% ब्याज देना पड़ता है। प्रेफरेंस से लाएंगे तो 12% डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब है प्रेफरेंस से अगर पूंजी लाते हैं तो 12% रिटर्न देना पड़ेगा, और अगर इक्विटी जरिए लाते हैं तो 15% देना होगा। उसके बाद भी ये होने के बाद भी कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो पूंजी कहाँ कहाँ से लाएगी, तो कंपनी डिसाइड की कितना होने के बावजूद हम 3 लाख लाएँ डेप्ट से, 2 लाख लाएँ प्रेफरेंस से, और 5 लाख लाएँ इक्विटी से। अब इसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ आपके पास, अब बोल रहा है कि इसका कैलकुलेट कीजिए कि क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तो चलिए उसको टेबल के जरिए हम बनाते हैं। सबसे बड़ी पहले यहाँ पे टेबल में बनाइए सोर्सेस, कहाँ से पैसा आ रहा है सोर्सेस। तो पहला है डेप्ट, हमारा सोर्स है, फर्स्ट सोर्स है डेप्ट। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा क्या है इक्विटी शेयर। चलिए देखिए डेप्ट से कितना आया है, डेप्ट से 3 लाख आया, प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख आया, ऐसे 5 लाख आया, रुपीज इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सोर्सेज हो गया, यहाँ पे रुपीज हो गया, यहाँ वेट लिखेंगे तो वेट कहाँ से आएगा, वेट कहाँ से आएगा? इसका टोटल यहाँ कर दीजिए, टोटल पूंजी कितना लाया गया है, टोटल रुपीज आया है 10 लाख रुपया। कैसे आया 10 लाख, तो तीनों को जोड़ दीजिए। अब वेट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है, टोटल कितना है 10 लाख ना, सबको 10 लाख से भागा दे दीजिए आ जाएगा। बताइए 10 लाख से इसको भाग देंगे कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। यहाँ टोटल करेंगे तो वेट का टोटल 1 आना चाहिए, 1 आ गया, वेट का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, यानी 10 लाख से समय क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। फिर से सुनिएगा, 10 लाख से समय क्या करें, डिवाइड कर दें, 10 लाख से समय डिवाइड किया तो वेट निकल गया। अब आपके पास एक्स दिया है और वेट दिया है, आप दोनों को गुना करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो कॉस्ट दिया है ना कॉस्ट, इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो बताइए कॉस्ट कितना परसेंट है, कॉस्ट परसेंटेज कितना है? तो पहला का कितना परसेंट है 10, दूसरा 12, तीसरा 15%। अब क्या देखिए, ये डब्लू है और ये एक्स है, अब जोड़िए दोनों को गुना करिएगा तो क्या निकल जाएगा, डब्लू एक्स कितना निकल रहा है, डब्लू एक्स भी बोल सकते हैं या तो एवरेज वेट बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। तो कैसे निकलेगा वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 0.3 को 10 से करेंगे कितना आता है 3, 0.2 को करेंगे 12 से तो 2.4 आएगा, और इसको करेंगे 5 से कितना आता है 7.5 आता है, यानी ये हम लोग अगर इसको जोड़ दें तो हो जाता है 0.9, 7, 2, 9 और 3, 12, यानी 12.9% हम लोगों का रिटर्न है। एवरेज अगर देखा जाए वेटेड एवरेज रिटर्न तो 12.9%, तो इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाई वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज कितना आता है 12.9% इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है 12.9%। फिर से ध्यान दीजिए कैसे कैसे निकला, सबसे पहले क्या करना है, हमको ये पता है कि हमको 10% में मिल रहा है डेप्ट का पैसा, प्रेफरेंस का पैसा 12% में, इक्विटी का पैसा 15% में मिल रहा है,
डेब्ट से कंपनी है डिसाइड करी है, हम और आप नहीं तय कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी तय की है कि हमको डेब्ट से इतना, उसको जानकारी है कंपनी को कि हमको कौन महंगा पड़ रहा है कौन सस्ता पड़ रहा है, फिर भी कंपनी ये डिसाइड करती है कि 3 लाख डेब्ट से लाएंगे, 2 लाख प्रिफ्रेंस से लाएंगे और 5 लाख इक्विटी से लाएंगे। तो बोलता है इसका इसका एवरेज परसेंटेज बताइए कितना पड़ेगा, एवरेज ना निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तीनों का एवरेज? तो दो तरीका था, एक जोड़ के भी निकाल सकते थे, 15 + 12 + 10/3। तो वैसे नहीं निकालना है क्योंकि पूंजी अलग अलग ना लाएगा। अगर तीनों में से पूंजी बराबर बराबर होता तो एवरेज निकाल देते जोड़ के, लेकिन तीनों का पूंजी अलग अलग है तो हमको पूंजी के आधार पर निकालना पड़ेगा। अगर पूंजी एक होता 5 लाख 5 लाख 5 लाख तब ये इतना मेहनत नहीं करते, तब हम 15 लाख + 12 + 10/3 कर देते। लेकिन तीनों का पूंजी बराबर नहीं ना है, पूंजी जब बराबर नहीं है तो इसको कैसे जोड़ दीजिएगा परसेंटेज को, इसलिए नहीं जोड़ रहे। अगर तीनों में पूंजी बराबर होता तो इतना प्लस इतना बटा तीन कर देते तो आंसर आ जाता डायरेक्ट, लेकिन पूंजी बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम पूंजी को लिखे, सबसे पहले सोर्स लिखे, पूंजी लिखे, इसको 10 लाख से डिवाइड कर दिए तो हम लोग इसको वेट में बदल दिए, तो 10 लाख से भागा दिए तो 3 लाख / 10 लाख कितना आता है 0.3, 2 लाख / 10 लाख कितना आता है 0.2, 5 लाख / 10 लाख कितना आता है 0.5, ये निकल गया। तो इसका टोटल कर दिए 1 आ गया, क्योंकि 10 लाख / 10 लाख करेंगे तो एक ही ना आएगा। अब क्या किए, वेट को, वेट जो हमारे पास दिया था उसके बाद हम लोग कॉस्ट लिखे, कितना परसेंट कॉस्ट है, 10%, 12%, 15%। तो कॉस्ट को वेट से गुना कर दिए तो निकल गया वेटेड एवरेज हमारा कितना 3, इसका आ गया 2.4 और इसका आ गया 7.5। सबको जोड़ देंगे तो एवरेज अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 12.9% एवरेज रिटर्न इसमें मिलेगा। तो यही है कॉस्ट ऑफ एवरेज कैपिटल, मतलब तीनों पूंजी अगर एक साथ हम उठा लेते हैं, कोई पूंजी 10% में, कोई पूंजी 12% में, कोई पूंजी 15% में उठाते हैं, तो एवरेज हमारा अगर चल जाएगा तो 12.9% हमारा रिटर्न जाएगा, 12.9% हमारा कैपिटल जाएगा, कॉस्ट जाएगा। यानी हम तीनों पूंजी अगर लेते हैं, इतना इतना पैसा करके तीनों पूंजी लेंगे तो मिला जुला के हमको 12% पड़ेगा, 12.9%, क्योंकि ये कम पड़ रहा है ज़्यादा पड़ रहा है, तो एवरेज निकाले ना, तो एवरेज निकाल के 12.9% के हिसाब से आपको पड़ रहा है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पड़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया खत्म।